क्वेश्चन नंबर थ्री में वो क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल एक्स. ग्रेटेस्ट इंटीजर जिंट फंक्शन आपको पता है, इसमें जो हमारा पिछला वाला इंटीजर होता है विच वन इज द ग्रेटेस्ट दैट वी आर सपोज टू टेक, तो ये फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा बिकॉज इफ आई टेक एन अ वैल्यू 1.1, मुझे जिंट लेना है 1.1 का, तो दैट विल बी इक्वल टू 1. सेम वे में अगर मैं 1.9 का लेती हूँ तो 1.9 से पिछला इंटीजर इज अगेन 1, ठीक है. और इसी तरीके से अगर मैं मान लो 2.1 का लेती हूँ दैट विल बी 2, 2.4 का लेती हूँ दैट विल बी 2, देन 2.7 का मैंने लिया तो दैट विल अगेन बी 2. यानी कि ये डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डिफरेंट प्री इमेजेस के लिए मेरे पास सेम इमेज आ रही है. तो 1 जो है इमेज इज लिंक्ड टू मोर देन 1 प्री इमेजेस, तो फंक्शन जो है आपका दैट इज मेनी 1 फंक्शन नॉट 1 1 फंक्शन. तो जिंट फंक्शन जो है वो नॉट 1 1 है. सेकेंड थिंग आप वो क्या कह रहे हैं कि जो हमें फंक्शन गिवन था दैट वॉज गिवन फ्रॉम आर टू आर, बट जो मेरे पास इमेज की वैल्यूज आ रही है यानी कि जो मेरे पास रेंज आ रही है दैट इज द इंटेग्रल वैल्यू ऑनली. तो 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं हमारे, क्योंकि ये रियल नंबर्स का सेट हमें गिवन है, तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये रेंज में इंक्लूडेड नहीं है. अब क्योंकि ये रेंज में इंक्लूडेड नहीं है यानी कि रेंज वाला सेट को डोमेन से छोटा हो गया, रेंज का जो आपका सेट बनेगा वो 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स का बनेगा, बट ये वाले जो नंबर्स हैं ये मिसिंग है. रेंज वाला सेट आपका छोटा हो गया कोडोमेन से, तो इट मीन्स कि फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू नहीं है. सो दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू. सेम वे में यही होगा आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. अब ये फंक्शन हमें गिवन है अगेन फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर फिर से गिवन है. मान लो मैंने एफ ऑफ माइनस वन लिया तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस वन इज प्लस वन. मैंने एफ ऑफ वन लिया तो अगेन दिस मॉड्यूलस इज प्लस वन. टू डिफरेंट प्री इमेजेस के लिए आई एम हैविंग वन इमेज, मैनी आर लिंक्ड टू वन, तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट 1 1. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है. So this function is not 1 1. उसके बाद हमें show करना है that this is not on to also. अब जो numbers आएंगे मेरे पास, मान लो मैंने लिया -1.1, तो क्या आएगा ये number equal to? Modulus of -1.1 is क्यों? Mod में क्या होता है? ये sign किसके लिए होता है? 1.1 पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज फॉर रिमूविंग द नेगेटिव साइन, ठीक है. तो इट मींस मेरे पास जो रेंज में नंबर्स आएंगे दैट विल बी पॉजिटिव नंबर्स ओनली, जितने भी रियल पॉजिटिव्स हैं आपके वो सारे नंबर्स आएंगे, नॉन जो हैं आपके पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे रेंज में. मॉड्यूलस लेके आई विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव वैल्यू. तो जब मेरा रेंज पॉजिटिव आ रहा है यानी कि रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा हो गया सेट, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. जब भी आपका रेंज का सेट को डोमेन के सेट से छोटा हो जाता है तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा. सो दिस इज नॉट ऑन टू. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बताइए. अब आप में से बच्चे एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी क्वेश्चन नंबर 5. सेम वे में आपने एक्सप्लेन करना है क्योंकि एमसीक्यूज ही आने हैं, तो वी आर नॉट सपोज टू राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. दिस इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इज ग्रेटर लेस देन 0 देन दिस इज -1. वी आर टू शो दैट दिस इज नीदर 1 1 nor on to. Any one of you can unmute yourself and tell me the answer. Dhruv Sharma, will you try?
Avi, Vanshika, Sia, any one of you can unmute. I'm giving you the option to unmute. Now you can answer. How will you say that this function is neither one one nor onto? X greater than zero के लिए मान लो मैंने x को लिया one, greater than zero तो f of one will be equal to one. मान लो मैंने x को लिया five, this is again greater than zero तो f of five भी one आएगा. Two, three, four, six, seven, eight जो मर्जी मैं values ले लूँ, ये वाली मेरी value fix हो गई one. यानी कि जितने भी मेरे पास x greater than 0 हैं, उन सब के लिए जो रेंज की वैल्यू आएगी दैट विल बी फिक्स्ड एज 1. तो रेंज का सेट मेरे पास ये बन जाएगा, जब x इक्वल टू 0 है f ऑफ 0 आपके पास 0 आ जाएगा, और f ऑफ कोई भी नेगेटिव नंबर आप लेंगे दैट विल बी इक्वल टू -1. तो सभी नेगेटिव नंबर्स के लिए दिस इज फिक्स्ड एज -1, 0 के लिए दिस इज 0, सभी x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए दिस इज फिक्स्ड एज 1. यानी कि जो मेरा रेंज सेट बनेगा दैट विल बी -1, 0 एंड 1. ठीक है. अब जो मुझे फंक्शन गिवन है वो मुझे कहां से कहां गिवन है? फंक्शन इज गिवन फ्रॉम R टू R. को डोमेन हो गया आपका रियल नंबर्स का सेट है, रेंज क्या आ रहा है, तीन ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये इसका सबसेट बन गया, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू. अब इधर वापिस आओ, f of 1, 2, 3, 4, many are linked to one value. So function is not 1, 1, neither 1, 1 nor on. Clear? Question number 6. Show करने हमें that the given function is 1, 1. Set A हमें given है 1, 2, 3. और set B given है 4, 5, 6, 7. अब जो हमें गिवन है फंक्शन उसके अकॉर्डिंगली वन इज लिंक्ड टू फोर, टू इज लिंक्ड टू फाइव एंड थ्री इज लिंक्ड टू सिक्स. देखो वन एलिमेंट ऑफ दिस इज लिंक्ड टू वन एलिमेंट ऑफ दिस, तो फंक्शन हमारा क्या है 1, 1, यही हमें शो करना था. सेकंड, अगर मुझे इसको चेक करना है वेदर दिस इज ऑन टू और नॉट, नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेवन एलिमेंट ऐसा है विच इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज, तो रेंज में मेरे पास 4, 5, 6 तीन एलिमेंट्स आएंगे, तो रेंज जो है वो कोर डोमेन का एक सबसेट है, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू. क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1, 1, ऑन टू और बाइजेक्टिव एंड जस्टिफाई योर आंसर. हमें ये बताना है कि फंक्शन 1, 1 है, ऑन टू है. अगर 1, 1 ऑन टू दोनों है तो फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव. अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है यानी कि 1, 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है तो फंक्शन विल नॉट बी बाइजेक्टिव. अब फंक्शन देखो हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x. सो अगेन x1, x2 हम इस तरीके से ले लेंगे दैट दिस बिलोंग्स टू, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, तो दिस बिलोंग्स टू R. सो एफ ऑफ एक्स वन इस तरीके से लिया कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, देन 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2. 3 से 3 कैंसल, -4 - 4 कैंसल, वी आर लेफ्ट विद x1 इज इक्वल टू x2. अब x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा आपका 1, 1 फंक्शन. अब ऑन टू चेक करना है हमने, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ आप डायरेक्ट नहीं हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे. पुट y इज इक्वल टू f ऑफ x को रिप्लेस करोगे y से और इसको लिखोगे x की टर्म्स में, सो दिस विल बी 4x इज इक्वल टू 3 - y और x इज इक्वल टू 3 - y/4. अब x की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, अगर ये इक्वल टू y आएगा तो फंक्शन जो है आपका ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो दिस इज 3 - 4 इंटू एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3 - y/4. ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद 3 - 3 + y. 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, नाउ दिस इज इक्वल टू y.
जब ये इक्वल टू वाई आ गया मतलब फंक्शन जो है वो हमारा ऑन टू है, ठीक है। अब फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है तो फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्लियर। अब इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस यू आर टू डू योर सेल्फ। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे एट। क्वेश्चन नंबर एट में हमें शो करना है कि ए जो है और बी जो है वो हमें गिवन है, दीज आर टू सेट्स, वी आर टू शो दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब जब ये दो एलिमेंट्स के टर्म में गिवन है तो आप दो एलिमेंट्स ही इनके अज्यूम करोगे, हमें गिवन है एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। तो हम मान लेंगे ए वन बी वन जो है दैट इज इक्वल टू ए टू बी टू, तो यहां से एफ ऑफ ए वन बी वन क्या आ जाएगा, बी वन कॉमा ए वन, और ये क्या आ जाएगा आपका बी टू कॉमा ए टू। ये क्यों आया, क्योंकि आपको f ऑफ a कॉमा b जो है वो b कॉमा a के इक्वल गिवन, तो f ऑफ a1 वन कॉमा बी वन अगर होगा तो b1 वन कॉमा ए वन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और ये भी उल्टा हो जाएगा। अब ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इट मींस इधर वाला फर्स्ट एलिमेंट इधर वाले फर्स्ट के इक्वल, इधर वाला सेकंड एलिमेंट इधर वाले सेकंड एलिमेंट के इक्वल, सो b1 वन इज इक्वल टू बी टू एंड ए वन इज इक्वल टू ए टू, तो फंक्शन आपका क्या आ गया वन वन। अब इसको हमने क्या शो करना है, वी आर टू शो दैट दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि अब हमने इसको क्या शो करना है दैट दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ ए कॉमा बी जो है वो बी कॉमा ए के इक्वल गिवन है, यानी कि हर ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, तो जो आपका रेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू को डोमेन। जब रेंज इक्वल टू को डोमेन है तो फंक्शन आपका क्या आएगा, that will be on to function. Clear है ये? चलें अगले पे। अब question number 9. F of f is a function from n to n defined by f of n is equal to n plus 1. n plus 1 by 2 if n is odd and n is even ये natural numbers का set है, n को 1 put करेंगे क्या आएगा 1 plus 1 by 2 1 आ जाएगा, f of 1 की value आ गई मेरे पास 1। अब n को 2 put करो that is an even number, 2 by 2 will again give you 1, तो f of 2 की वैल्यू क्या आगे 1। अब टू डिफरेंट प्री इमेजेस लिंक्ड टू 1 तो फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। अब हमें शो करना है कि ऑन टू है या नहीं है, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, सेट हमें गिवन है n टू n। अब नेक्स्ट अगर हम लें n को, अगर मैं 3 लेती हूं तो 3 प्लस 1 बाय 2 क्या आएगा 2, f of 4 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2, ऐसे ही f of 5 will be 3, f of 6 will be 3। तो ये सारे एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू इंफिनिटी चलते हैं नेचुरल नंबर, तो यानी कि ये भी अप टू इंफिनिटी हमें मिलते जाएंगे, तो फंक्शन जो है दैट विल बी ऑन टू। बट क्योंकि ये 1 1 नहीं है ऑन टू है तो दिस इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। तो फंक्शन सिर्फ ये वाला आपका ऑन टू है, दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। सिंपली आपसे जैसे उन्होंने ये पूछा है कि शो वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, तो आप यहाँ हमने शो कर दिया फंक्शन इज नॉट वन वन, यहाँ पे डायरेक्टली इसी के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो कि फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव एज इट इज नॉट वन वन। ऑन टू वाला चेक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, इज एफ वन वन एंड ऑन टू, ये हमने चेक करना है। और फंक्शन जो है वो हमें गिवन है r माइनस थ्री टू r माइनस वन। r माइनस थ्री इसलिए गिवन है कि अगर हम x को 3 पुट करते हैं तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा डोमेन में, अगर आप उसको 3 पुट करते हो, और जब हम रेंज के लिए x के टर्म्स में उसको निकालेंगे
तो वाई को अगर हम वन पुट करेंगे देन द फंक्शन बिकम्स नॉट डिफाइंड. तो ये साथ में हमें उन्होंने दे दिया. वैसे फंक्शन रियल टू रियल बिलोंग कर रहा है, बट डोमेन में थ्री नहीं लेना और रेंज में वन नहीं लेना. अब ये गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री. एक्स वन कॉमा एक्स टू मान लेंगे हम एलिमेंट्स, बिलोंग्स कर रहे हैं आर माइनस थ्री को, और ये बन जाएगा आपका सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज हैं एक्स की तो हम इसको डायरेक्ट अगेन नहीं कैलकुलेट कर सकते. सो एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन प्लस सिक्स माइनस थ्री एक्स वन प्लस सिक्स माइनस टू एक्स टू. दिस इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन प्लस सिक्स माइनस थ्री एक्स टू. प्लस सिक्स एक्स वन एक्स टू कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गया माइनस थ्री एक्स वन, उधर से इधर ले आओगे प्लस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स टू प्लस टू एक्स वन इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से आपका थ्री कॉमन आ जाएगा, दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ से माइनस टू कॉमन आ जाएगा तो दिस इज अगेन एक्स टू माइनस एक्स वन. क्लियर है सर? चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, कहीं कोई मिस्टेक ना हो. अब ये x2 माइनस x1 अगेन आप कॉमन ले लोगे तो इन द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद 3 माइनस 2, यानी कि ये 1 हो गया आपका. तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x2 इज इक्वल टू x1. x2 इक्वल टू x1 मींस फंक्शन इज 1. ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है, फंक्शन इज ऑन टू. ऑन टू के लिए पुट दिस इक्वल टू y और x को y के टर्म्स में लिख लो. x वाली टर्म्स एक तरफ और दूसरी सभी टर्म्स दूसरी तरफ. आ गया यहां तक समझ? ऑन टू निकालने के लिए हम f ऑफ x को रिप्लेस करते हैं y से, उसके बाद इसको हम रीराइट करते हैं इस तरीके से कि x जो है वो हमारा मतलब x की वैल्यू लिखी जाए दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में. तो यहां से x कॉमन, दिस इज y माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू. एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन. नाउ यू कैन क्लियरली सी कि रेंज के लिए डिनोमिनेटर में हमारा वाई माइनस वन आ रहा है, इसीलिए जो हमें उन्होंने फंक्शन में रेंज गिवन था दैट इज गिवन इन दिस फॉर्म आर माइनस वन. क्योंकि जब आप इसको वन ले लोगे ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए रेंज में माइनस वन लिया और डोमेन में जो है वो माइनस थ्री लिया. अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. अगर इक्वल टू y आ रहा है तो फंक्शन विल बी ऑन टू, अदरवाइज नॉट. अब x को हम पुट करेंगे यहाँ पे 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन. सो दिस इज 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन माइनस टू अपॉन थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस थ्री. ये वाले दोनों एक्स मैंने इस वाली एक्स की वैल्यू से रिप्लेस कर दिए. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड चेक इफ इट इज इक्वल टू वाई और नॉट. अपॉन में क्योंकि दोनों के वाई माइनस वन है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा. ये कैंसिल आउट हो गया. अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस टू प्लस टू कट गया, थ्री वाई माइनस थ्री वाई कट गया. थ्री वाई माइनस टू वाई इज वाई एंड थ्री माइनस टू इज वन, वाई अपॉन वन इज वाई. तो ये इक्वल टू वाई आ रहा है, इट मींस द फंक्शन जो है आपका दैट इज ऑन टू. तो वन वन भी है ऑन टू भी है, तो दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन. क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से हैं, जहां तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो वहां डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेना. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो आपने क्या करना है, पहले इनको x1 कॉमा x2 वाले मेथड से करोगे, एज्यूम करके कि f of x1 is equal to f of x2 है, देन 1 1 शो हो जाएगा आपका इस तरीके से. अगर f of x1 equal to f of x2 पुट करने पे
वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है, तो देन एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करोगे वाई से, उसमें एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख लोगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन में पुट करो, सिंप्लीफाई करने पे अगर इक्वल टू वाई आ रहा है फंक्शन विल बी ऑन टू, अदरवाइज फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा. अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करेक्ट आंसर चूज करना है. वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 जब हमें गिवन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11. हमें गिवन ऑप्शंस है नीचे, उनमें से चूज करनी है. ऑप्शंस जो हमें गिवन है दैट इज एफ इज 1 1 ऑन टू, एफ इज मेनी वन ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू. अब देखो f जो है मुझे सेट गिवन है फ्रॉम रियल टू रियल. f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, डोमेन में भी रियल नंबर्स एंड रेंज में भी रियल नंबर्स. मान लो मैंने इसको पुट किया -1, -1 टू द पावर 4 इज +1, मैंने इसको पुट किया +1, तो दिस इज 1. तो मोस्टली जहां पे भी ये आपका इवन पावर बन रहा होता है फंक्शन 1 1 नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव वाले का भी आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा. अब अगेन यहाँ पे -1 और 1 बोथ आर डिफरेंट प्री इमेजेस लिंक्ड टू वन इमेज, तो फंक्शन 1 1 नहीं है. अब हमें चेक करना है वेदर दिस इज ऑन टू और नॉट. अब देखो रियल में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, सारे नेगेटिव आएंगे, और यहाँ जब मैं उसकी इवन पावर ले लूंगी तो मेरी जो रेंज बनेगी दैट विल बी ओनली पॉजिटिव रियल्स. ठीक है, तो इट मींस जो नेगेटिव रियल्स हैं वो रेंज में नहीं है, यानी कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन. जब भी रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू. यहाँ पे ये नॉट 1 1 है एंड नॉट ऑन टू भी आ गया, क्योंकि रेंज में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे आपके, नेगेटिव नहीं होंगे, जबकि जो रेंज को डोमेन मुझे गिवन है उसमें सभी रियल नंबर्स हैं. तो इट मींस कि जो आपका रेंज है दैट विल बिकम अ सबसेट ऑफ को डोमेन, रेंज को डोमेन का सबसेट हो गया, यानी कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू. तो योर ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12. एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x. तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x आपको गिवन है और फंक्शन आपका गिवन है आर टू आर, आर टू आर फंक्शन गिवन है, तो एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर करोगे, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2, फंक्शन 1 1 हो गया आपका. ठीक है, अब y इज इक्वल टू 3x मैंने पुट किया तो x इज इक्वल टू y बाय 3 आ गया. इसको पुट करो फंक्शन के अंदर, एफ ऑफ वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई बाई 3, ये कैंसिल आउट होके दिस इज इक्वल टू y, यानी कि फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो. तो फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर, फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू. सो विद दिस योर टर्म 1 सिलेबस इज ओवर. 1.3 and 1.4 are the deleted parts for this term. It's deleted from the CBSE side.